पीटीआई के साथ सियासी पींगें, मौलाना ने बड़ा कदम उठा लिया, हुकूमत को बड़ा धचका। पीटीआई के कैंप से अहम खबर सामने आ गई। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर की जेयूआईएफ के सरबराह मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस दौरान मुल्क बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। जेयूआईएफ के सरबराह और पीटीआई के रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, सूबे में अमन व अमान कायम रखने के लिए जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर ने बजट को अवाम दुश्मन और आईएमएफ का बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया और दोनों जमातों ने कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर भी इत्तफाक कर लिया। मुलाकात के दौरान दोनों जमातों में सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला किया गया। दोनों सियासी जमातें अब सियासी हिकमत अमली के लिए निकात तय करेंगी।